तुम्हारा है? अरे वाह, क्या है आपका प्रश्न? जैसे बाबा ओशो कहते हैं कि किसी जीवित बुद्ध पुरुष अगर कहीं भी मिले तो उधर मौके मिला के जाना, उनके पास रहना, उनके प्रेजेंस में रहना, उनके साथ सत्संग करना, तो वो भी तुम्हारे साधना में बहुत सहयोगी होगा। तो ओशो के जुड़ने के बाद जब आपके वीडियो मैंने देखा तो ऐसा लगा था गुरु तो मिल गया। फिर बार बार ऐसा था कि ओशो आपकी तरफ जाने को भेज रहे थे, तो वो इसका क्या मतलब? नहीं, ये तो इसका कुछ नहीं है। अगर तुम सद्गुरु के बहुत गहरे प्रेम में होते हो, चाहे तुम्हें वो मिला हो चाहे न मिला, तो सद्गुरु व्यक्ति की तरह नहीं होता, वो समष्टि की तरह होता है और बहुत एंगल से तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देता है। ये उसका काम है। लेकिन आपकी श्रद्धा सद्गुरु के प्रति बहुत अच्छी हो, प्रेम हो आपका, तो ये चीज़ें सहज रूप से घट जाती हैं और फिर मिलना हो जाता। और ऐसी घटनाएं हमारी यात्रा में बहुत सहयोगी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये यात्रा कुछ ऐसी है, ना तो अकेला गुरु किसी को ले जा सकता और ना अकेला शिष्य अपनी यात्रा कर सकता। शिष्य कहे कि मैं अकेला यात्रा करूं तो भी ये यात्रा नहीं होती, और गुरु समझे कि मैं किसी को यात्रा करा दूं अकेला, वो चले ना चले मैं चला दूं उसे, ऐसा भी नहीं होता। ये दोनों बातें नहीं होती। तो ये जुगलबंदी का खेल है। जब आपके अंदर बहुत गहरी प्यास होती है, आप चलने के लिए बिल्कुल राजी होते हैं, बिल्कुल एक इशारे की जरूरत होती है और आप राजी होते हैं, ऐसी अवस्था में गुरु का सहयोग बहुत ही विधायक हो जाता है, जिससे आपकी यात्रा बहुत बढ़िया होती है। लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि प्यास हमारी होना चाहिए, और ये गुरु शिष्य जो है युगपद यात्रा करते हैं एक साथ। एक बार गुरु पहुंच जाता है अपनी अवस्था में, फिर वो शिष्य के साथ, जो शिष्य चलने के लिए तैयार है, काबिल है, संभावना लिए हुए हैं, उसके साथ वो पुनः यात्रा करता है। अगर वो साथ में यात्रा न करे तो तुम्हें पग पग पे दिक्कतें आ सकती हैं। कारण क्या होता है कि तुम्हारा रास्ता तो जाना नहीं है। भेद जो है बड़ा बुनियादी भेद वो ये है कि उसका रास्ता जाना, वो तुम्हारे और उसके बीच में यही भेद है कि तुम चल तो रहे हो लेकिन तुम्हारा रास्ता जाना नहीं। उस तरह से दिखाई नहीं देगा तुम्हें जैसा तुम्हारी मान्यता है कि गुरु तुम्हारे साथ चल रहा है, ऐसा नहीं। वो पता नहीं कितने कितने रूपों में से आपको सहयोग करता है।
किसी रूप से आपको, कभी कभी बिल्कुल गांव का एक अनहड़ी आदमी आपको इतनी अच्छी बात बता जाएगा, इतनी अच्छी बात बता देगा, ऐसा इशारा हो जाएगा तुम्हारी यात्रा में कि तुम चल पड़ोगे, तुम्हारी याद तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कोई इशारा है, यहाँ चलना चाहिए। और यात्रा का मतलब क्या है, जिस यात्रा में तुम्हें प्रतिदिन आनंद झलक रहा हो, तुम्हारा जीवन उत्सव की तरफ जा रहा हो, आनंद की तरफ जा रहा हो, तो वहां तुम मान लो कि गुरु का पूरा सहयोग तुम्हें मिल रहा है और तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपकी यात्रा में जड़ता आ रही है, बेचैनी आ रही है, परेशानी आ रही है, और कोई कारण नहीं है, श्रद्धा डगमगा गई होगी, इतना ही फर्क है। श्रद्धा जैसी गहरी होती है तो अनंत रूपों से आपको उठा लिया जाता, और जब गुरु की कृपा होती है तो समस्त देवी देवता हमें सहयोग करने लगते हैं। इस यात्रा में यही तो एक फायदा है, इस यात्रा में दिखता है वो कम है, जो नहीं दिखता है वो बहुत ज्यादा है। जो सच पूछो तो जो सही चीज है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, हो जरूर रही है तुम्हारे साथ, तुम्हें महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, तुम्हें महसूस बहुत होता है कि कुछ हो रहा, क्योंकि जीवन एक उत्सव की तरफ जा रहा, और उत्सव ही प्रमाण है। आप किसी दूसरी चीज से इस यात्रा में प्रमाण नहीं ढूंढ सकते हैं, सिर्फ एक ही बात है कि तुम अगर ठीक चल रहे हो और गुरु की कृपा तुम पे हो रही है तो तुम कल से आज बदल रहे हो, और नहीं बदल रहे हो तो फिर ऑब्जर्वेशन करना अपना, कहीं तो चूक हो रही, कहीं कोई बुद्धि पकड़ गई है, कहीं कोई अहंकार पकड़ गया है, कहीं कोई यात्रा में लोभ पकड़ गया है, मोह पकड़ गया है, काम पकड़ गया है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत सारी बाधाएं हैं आजमाने के लिए, बाधाएं तो होती हैं। संसारी से ज्यादा जैसे संसार में आदमी यात्रा करता है धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उसे भी बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन उसकी बाधाएं स्थूल हैं, उनका निराकरण आज नहीं कल हो जाता। धर्म की यात्रा में जो बाधाएं हैं वो सूक्ष्म हैं, वो तुम्हें बाधाएं जैसी नहीं लग रही, वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इनसे कुछ मिलेगा, पद है, प्रतिष्ठा है, काम है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे भीतर होती हैं। तो वो बाधा बन जाती है, उन बाधाओं को गुरु की कृपा से ही दूर किया जा सकता है, उसमें अपने कुछ करना नहीं है। जब बाधा आ गई तो उसको गौर से देखो, बहुत गौर से देखो कि मैं तो किसी और यात्रा में चला था और ये कौन सी यात्रा शुरू हो गई मेरी, इतनी समझ से देखो, और फिर गुरु के प्रेम में अनुग्रह से भरो तो वो बाधा कट जाती है। ये यात्रा जन्मों चलती है बाधाओं के कारण,
जन्मों। ऐसा नहीं है कि लोगों को पहली बार गुरु का दर्शन हुआ। हम सब लोग जिस यात्रा में जा रहे हैं, कई जन्मों में कई गुरु मिले। हम चार कदम चले, छह कदम चले, फिर किसी बाधा में फंस गए, दस कदम चले, फिर किसी बाधा में फंस गए। ऐसे हमने बहुत जन्म गंवाए। मनुष्य जो है का जो जन्म है, जिस वजह से हुआ है, उसे इसी जन्म में अपनी यात्रा पूरी करने के लिए हुआ है। ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई पात्र अपात्र की बात नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस जन्म में अपनी मंजिल ना पाले, क्योंकि तो जन्म ही इसलिए हुआ। जन्म दूसरी वजह से नहीं हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि हम इस जन्म में अपनी मंजिल पाले। क्यों लोग तृप्त नहीं होते जीवन से? सब कुछ मिल जाता है लेकिन तृप्ति नहीं आती, क्योंकि वो मंजिल आई नहीं, और जिसे मंजिल समझी थी वो मिल भी गई, मिलने के बाद वो झूठी हो गई। जब तक संसार में मंजिल नहीं मिलती है, तब तक ऐसा लगता है कि मिल जाएगी तो तृप्ति होगी कि मंजिल आ गई, और जब मिल जाती है तो वो झूठी हो जाती, ऐसा लगता कुछ हुआ ही तो नहीं, बस क्षण भर की बात थी, आई गई, फिर हम खड़े रह जाते हैं, फिर हम वो उल्टे सीधे खेल शुरू कर लेते हैं, और उस मंजिल को बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कभी सुधरती नहीं। लाख कोशिश करो, क्योंकि वो पहली ऐसी अगर हल होने वाली नहीं तो कहाँ से सुधरेगी। और असली मंजिल तो यही है, तुम्हारे स्वभाव में आ जाओ, यही असली बात है। इतनी सरल है कि इससे सरल कोई बात नहीं है, और इतनी कठिन है कि इससे कठिन कोई बात नहीं। अगर गलत दिशा में देख रहे हो तो बहुत कठिन, अगर सही दिशा में देख रहे हो तो एक पल की, कबीर कहते हैं कि एक पल की तलाश में, तो जब वो एक पल की तलाश में मिल सकता है तो कहाँ ढूंढ रहा है। अगर सही दिशा में यात्रा हो रही, और सही दिशा का मतलब ही ये है कि तुम्हारी यात्रा उत्सवपूर्ण हो रही है सुबह से शाम तक, तो सही दिशा में जा रही है और गुरु की कृपा तुम पे हो रही है, तो ऐसा रहता है। सारे लोगों को देखा कि जो सालों से आ रहे थे आपके पास साधना के लिए, पर एक टाइम हुआ कि उनकी बाहर की चीजें सुधर गई, उनके बच्चों की शादी हो गई या उनके पास धन हो गया या घर हो गया, लेकिन उनकी साधना वाला पार्ट छूट गया, ऐसा मैं देखता हूँ। तो वो तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जन्मों की यात्रा है, उनका दोष नहीं है, जन्म लगते हैं इस यात्रा में, जो इतने जल्दी नहीं हो जाती है। रस्ते में कोई चीज मिल जाती है, उस खिलौने से खेलने लगते हैं। तो गुरु के साथ हाँ हाँ, इसके बाद भी नहीं, बाहर का पार्ट पहले सुधरता है। हाँ, की किसी किसी का भीतर का सुधर जाता है फिर बाहर का सुधरता है, किसी किसी का बाहर का सुधर जाता फिर भीतर का सुधरता है, और किसी किसी का न बाहर का सुधरता न भीतर का सुधरता, और किसी किसी का बाहर का नहीं सुधरता भीतर का सुधर जाता, ऐसा चलता रहता। और बाहर का सुधरना तो मैं सुधरना मानता ही नहीं, एक भ्रम है, और आप भी गलत देख रहे हो, आपकी दृष्टि गलत है। पहली बात तो ये है कि दूसरे के बारे में मत बात करो, दूसरे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, वो मूल्यवान बात है।
दूसरे किन कारणों से नहीं आ रहे हैं, किन कारणों से छोड़ गए हैं, क्या उनकी यात्रा है, तुम पता नहीं लगा सकते। इसलिए धर्म की यात्रा में दूसरे का ख्याल बिल्कुल नहीं करना, हमें अपनी अपने आप निहार, हमको खुद को देखना। ये टीका टिप्पणी ये हमें सुलाने के लिए है, हम दूसरों की निंदा और स्तुति दोनों सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमें नींद में ले जाते हैं और हम स्वप्न देखते रहते हैं। गहरे में देखो तो हम नींद में हैं ही, और नींद को बरकरार रखना है अगर तो आपको स्वप्न देखना जरूरी है, क्योंकि स्वप्न नींद को लंबा करती है, बहुत लंबा करती है। अभी ऐसा देखने में सुनने में जैसा आता है वो ये होता है कि जो स्वप्न देखते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है, ऐसा सच नहीं है। जो स्वप्न देखते हैं वो लंबा सो लेते हैं, लंबे टाइम तक सोते हैं, क्योंकि स्वप्न जो है नींद को टूटने नहीं देता, एक के बाद एक स्वप्न चलता है और वो नींद को टूटने नहीं देता। अगर स्वप्न टूट जाए और आप सो रहे हों तो ज़्यादा देर तक आप सोए रह नहीं सकते, आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि हमें बहुत गहरे में इतनी नींद की ज़रूरत नहीं है जितनी नींद में हम सोते हैं। और वो नींद बरकरार रहती है स्वप्न के कारण। स्वप्न देखना है तो फिर लंबी नींद में ही देखा जा सकता है, जितने ज़्यादा लंबे सोओगे उतने ज़्यादा सपने से गुजरोगे और जितने ज़्यादा सपने आएंगे उतने लंबे सोओगे, ये जुड़ा हुआ है। तो एक नींद तो है संसारी जो हमें स्वप्न देख के लंबी होती है, और एक नींद लेके हम पैदा हुए। आप आश्चर्य करोगे हमारा जन्म नींद में हुआ है, जन्म हमारा नींद में हुआ है, हम नींद में ही जन्मे हैं और नींद में ही मर जाते हैं, वो दूसरी नींद है। जैसे कोई आदमी स्वप्न देखता है तो इतने स्वप्न देखे जा सकते हैं, और कई लोग ऐसे देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम सोए कब, हमने स्वप्न देखे सिर्फ 90% लोग स्वप्न देखते हैं, नींद का पता ही नहीं होता। सवेरे उठते हैं तो नींद की सुरती थोड़ी होती है, स्वप्न की सुरती होती है, और स्वप्न अगर टूटा तो नींद टूट जाती है तुरंत, देर नहीं लगती। तो सारे लोग जो है जो सोते हैं अधिकतर स्वप्न देखते रहते हैं, कई लोगों को पता होता है कई लोगों को पता नहीं होता, लेकिन स्वप्न तो चलता रहता बरकरार। और स्वप्न न चले तो तुम सो नहीं सकते, और स्वप्न भी ना देख रहे हो और सो भी नहीं तो आप पागल हो जाओगे। ये निर्जरा की प्रक्रिया है, क्योंकि इतना दमन है जीवन में, दिन भर तुम जितना दमन करते हो वो स्वप्न के माध्यम से निकलता है पूरा, और दमन तो होता है क्योंकि ये संसार जो है इसमें पूरी दमन की प्रक्रिया है। एक समाज में जीते हैं, एक नीति को जीते हैं, एक धर्म को जीते हैं, तो पग पग पे हमारा दमन होता है, यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप नीति को जियोगे तो दमन अनिवार्य है, होगा ही, और वो दमन की निर्जरा कहाँ होगी, वो स्वप्न में होती है। तो स्वप्न अगर ना हो तो इतना वजन हो जाएगा,
आदमी के भीतर के, वो पागल हो जाएगा, इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है कि नींद में आपके बहुत सारे दमन निकल जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। अब जो दूसरी नींद है वो स्पिरिचुअल नींद है, मतलब हम जो है एक अलग तरह की नींद को जी रहे हैं, पैदा ही हुए हैं नींद में, और दिन भर जो हम कुछ करते हैं, ये दिन भर हम बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता तो निंदा स्तुति करते हैं, कुछ काम नहीं होता, ज़्यादातर निंदा स्तुति में ज़्यादा समय जाता, या तो हम किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी की अच्छी बात करते हैं। ये भी स्वप्न हैं, ये आप स्वप्न देखते रहते हो कि आपकी जो नींद है वो टूट ना जाए, आपको अपना ख्याल ना आ जाए, आपको अपना एक बार भी ख्याल ना आए, इसलिए आप व्यस्त रखते हैं अपने मस्तिष्क को दिन भर। जिस तरह से रात में स्वप्न में व्यस्त रखते हैं और दिन में बातचीत में रखते हैं, सीन में, सीनरी में, लोगों से मिलने में जुलने में, अब ये सारा का सारा आयोजन जो है वो नींद ना टूट जाए, जिस नींद में हम जन्मे, अगर वो नींद टूट गई तो ये दुनिया बेकार हो जाएगी आपके लिए। वो नींद टूट गई क्योंकि ये तो सपने का खेल है, जैसे उधर नींद टूटी सपना टूटा, इधर नींद टूटी तो ये सपना टूट जाए। और ये सपना जो है हम बरकरार रखना चाहते हैं, और ये कलेक्टिव सपना, वो सपना इंडिविजुअल है और ये कलेक्टिव है, हम सब मिलकर देख रहे हैं। ये इतना गजब का सपना है कि इस गिलास को और प्लेट को मैं देख रहा हूं, इसी को तुम देख रहे हो, ये सब कलेक्टिव है। और जब चीज कलेक्टिव हो जाती है तो वो स्वप्न नहीं रहती, वो सत्य हो जाती है। जब 100 आदमी किसी चीज को कहें कि ये चीज ये है, तो एक से एक आदमी आएगा, वो कहेगा हाँ ये वही है, क्योंकि वो सपने की देन है। तो हम को अगर साधक की जिंदगी जीनी है तो निंदा स्तुति के बाहर आ जाना, हमें औरों के बारे में नहीं सोचना। तुम अपने ही स्वप्न से परेशान हो और दूसरा सपने देख रहा, उसमें इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा, यहां कोई आदमी पाप पुण्य नहीं कर रहा है, कोई आदमी यहां कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा, ऐसे समझिए। इसलिए किसी के बारे में जरा भी सोचना ठीक नहीं दूसरे के बारे, क्योंकि वो नींद में है। अब एक आदमी नींद में गलत सपना देख रहा है, नाइटमेयर देख रहा है, अब उसका बेचारे का दोष क्या है? अब उससे कहो कि तू यार इतना गंदा सपना देखता है, तू बड़ा खराब आदमी। जिस तरह से वो घटना है उसी तरह से ये घटना, यहां जो आदमी जो भी कर रहा है वो स्वप्न में है, और स्वप्न आप तोड़ नहीं सकते किसी का, कोई उपाय नहीं, अपना ही नहीं टूट रहा, आप भी स्वप्न में खड़े हो, तो दूसरे के स्वप्न में इंटरफियर करने की कोशिश करना ही बेकार। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कुछ मत बोलो, वो जैसा है वो उसकी मौज है, क्योंकि वो स्वप्न में गरीब, और स्वप्न में ऐसा ही होता है जैसा होता है। तो ये दुनिया जैसी चल रही है ऐसी रहेगी, इसे बदला नहीं जा सकता, इसका स्वप्न टूटेगा जिसका, उसकी दुनिया दूसरी हो जाएगी, वो फिर इस दुनिया को खेल से जिएगा, इस स्वप्न में शेयर करेगा वो भी, लेकिन खेल की तरह शेयर करेगा, करेगा तो वो भी, क्योंकि स्वप्न वाले लोगों के बीच में रहना है ना, और स्वप्न वालों के बीच में रहोगे तो आपको उनकी भाषा बोलना पड़ेगी, लेकिन जानते हुए बोलो बस, और ज्यादा भेद नहीं है, इतना ही भेद है कि ये बात समझ में आ जाती है तो हम सब जानते हुए करते, तो फिर मजा ही दूसरा आता है। इसलिए आप दूसरों के विषय में ना सोचें, कौन क्या कर रहा है, किसने कमा लिया, कौन लुट गया। देखो कमा लिया वो भी एक सपना देख रहा, और लुट गया वो भी एक सपना देख रहा, ना कोई लुटा है ना किसी ने कमाया,
ये खेल है, ये बहुत बढ़िया खेल है। जो जिस ढंग से खेल रहा है, जैसा पात्र है, जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से वो एक खेल खेल रहा, वो सपना उस तरह का देख रहा है, जिस तरह से उसके चित्त की चीजें हैं उस तरह का सपना देख रहा है। कोई प्रकृति को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई शेयर मार्केट में घुसा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। अब दोष किसी का नहीं है, ये भी सपना देख रहा, वो भी सपना देख रहा। कुछ सपने मीठे होते हैं और कुछ सपने कड़वे होते हैं, जो भेद होता है। जो शेयर मार्केट का देख रहा है, वो धड़कनें बढ़ रही हैं, हालत खराब हो रही है, देख सपने ही रहा है, लेकिन वो कड़वा सपना देख रहा बस, और कोई मीठा सपना देख रहा है। लंबा वो तो टूटेगा जब टूटेगा। पहले टूटेगा कब, जब समझ में आ जाएगा जी सपना है, वैसे ही टूट जाएगा। अब सपने को सच मानोगे तो कैसे टूटेगा? सपने को अगर सच माना किसी ने तो सपना टूट सकता है क्या? सपने पर संदेह आया कि जो सपना है वो तुरंत टूट जाएगा। एक बार ओशो एक कहानी कहते थे कि च्वांग सू करके एक आदमी था, उसने एक सपना देखा और सपने में वो तितली हो गया। सपने ऐसा देखा उसने कि वो तितली हो गया। अब जाग के जब वो बैठा तो बड़ा उदास हो गया, और वो हमेशा प्रसन्न रहने वाला आदमी, और उस दिन बड़ा उदास हो गया। सब लोगों ने कहा क्या होगा कि अब मैं एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि तितली भी तो सपने देख सकती है कि मैं च्वांग से हो गई, तो मैं च्वांग से हूं या तितली हूं। अब ये संदिग्ध हो गया कि अगर मैं सपने में च्वांग से हो सकता हूं तो तितली सपने में कैसे नहीं हो सकती है? सपने में मैं तितली हो सकता हूं तो तितली च्वांग से कैसे नहीं हो सकती? उसे गजब का झटका लग गया। और जब इस तरह का प्रश्न पैदा होता है ना किसी के चित्त में कि जो तुम मान रहे हो वो तुम नहीं हो, जो तुम मान रहे हो वो सपना का वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं, अब आपकी हालत क्या हो जाएगी? जो तुम मान रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका पता नहीं, तो आपकी क्या हालत होगी? आपका सपना टूटेगा। आप किसी सच्चाई पर जाना चाहेंगे, या तो तितली हूं या च्वांग से हूं, किसी सच्चाई पर जाना पड़ेगा ना कि नहीं जाना पड़ेगा? और जब आप सच्चाई पर चले जाएंगे तो नींद टूट जाएगी, और ना तुम च्वांग से थे ना तितली थे, तुम दो ही नहीं थे, तुम कोई और ही थे, दोनों ही सपने की बातें थी। इसलिए मेरा तो लोगों से निवेदन यही रहता है कि दूसरे की निंदा स्तुति करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कर कुछ नहीं रहा, सपने देख रहा। अब तुम सपने का रोल कर सकते हो उनके साथ, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमें सुलाने के लिए ये निंदा स्तुति की बातें करते, इससे हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि अहंकार हमारा प्रबल होता है कि वो तो ऐसा करते हैं, हम नहीं करते हैं ऐसा, और आपको पता नहीं है वो आयाम से आप गुजरो तो आप भी वही करो, वो खबर तो ऐसी है जी बात करने की, नहीं आप किसी की बात करने का कोई मतलब नहीं। वो आदमी सपना देख रहा, देखने दो से कि आप कितने हल्के हो जाएंगे। इस दुनिया में रहना है तो एक जीने की कला है, धर्म और कुछ नहीं है, एक जीने की कला है।
तो चीजों को ज्यों कहते हो अगर देखने लगो तो तुम बहुत बढ़िया जियोगे, क्योंकि इतनी ऊर्जा जाती है हमारी दूसरों में, दूसरों की बातों में हम इतनी वेस्टेज करते हैं जिसका कोई हिसाब, सारी आप पे अपार एनर्जी है लेकिन आपका वेस्टेज भी बहुत है, तो वो सारी बचेगी तो आनंद बनेगा ना जिंदगी, खुशी बनेगी ना, उत्सव बनेगा जिंदगी। हर आदमी के पास अपार ऊर्जा है, ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसके पास अद्भुत ऊर्जा ना हो, लेकिन वो सुबह से शाम तक निंदा स्तुति में लगा रहता, किसी की बुराई में किसी की भलाई में। औरतें तो स्पेशल हैं इस मामले में, वो कोई तीसरे कोई खड़ा करते हैं। यानी हमने एक चीज देखी है कि हम जीवन में प्रैक्टिकल को कम जीते हैं, भूत प्रेतों को ज़्यादा जीते हैं। जैसे भूत प्रेत का मतलब जो है कि हम और आप बैठे हैं और जो आदमी यहाँ नहीं है उसे मौजूद करके उसकी बात करना है, यानी भूत, आप भूत से बात कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ है ही नहीं, हम दो ही बातें नहीं कर सकते। हम दो ही बातें करें तो 15 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं हो सकती हैं। अगर 15 से ऊपर कोई 16 मिनट कर दे तो हम गारंटी लेते हैं। है क्या तुम्हारे पास बातचीत करने के लिए? तुम्हारा ना अगले के पास है, 15 मिनट में मैदान साफ हो जाएगा। आपको भूत प्रेत लाना पड़ेंगे बातचीत करने के लिए, कोई तीसरा। और कोई तीसरे का मतलब भूत, जो है ही नहीं, जिसे तुमने पैदा किया, तुम्हारे मन ने पैदा किया, वो भूत है हमारी भाषा। और उससे बात करके परिणाम क्या निकलने वाले, जो है ही नहीं। अरे बात करो, एक दूसरे से कर लो यार, बहुत बढ़िया है, मजेदार रहेगी बात। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद टेंटे हो जाती है सब। कहाँ से लाओगे? है क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए? कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा है, खत्म हो जाता है। और किसी को ले लेके करो तो 4 घंटे करते रहो, भूत खड़े करो नए नए, तो वो ऐसा था, वो वैसा था, फिर उसका ऐसा था, फिर अगला भी कहेगा हाँ ऐसा ही था। अब कितनी फालतू की बातें हो। तो हम करते हैं भूत प्रेतों से व्यवहार, आदमी आदमी से व्यवहार ही नहीं करता। अब ऐसी दुनिया में आनंद कहाँ होगा? आता है आनंद, एक दूसरे से बातचीत करें तो आनंद आता है, प्रेम मोहब्बत की बात करें, वो प्रेम मोहब्बत ज़्यादा देर झेल थोड़ी सकते हैं लोग, भूत प्रेत को लाना पड़ता, इतनी औकात कहाँ है कि वो झेल लें। तो किसी तीसरे को खड़ा करेंगे और उसकी बात करें। अच्छा जी, भूत प्रेत प्रकट हुए, आ गए तुम लोग यहाँ, आके कुछ देख के आए ऐसे ही आ गए? तो अभी थकान होगी तुम्हारी, जरा पीछे जाकर देख लो, थकान उतर जाएगी। उधर जाओ, वो बना हुआ है ना, उधर एक नज़र देख के आओ, थकान उतर जाएगी। इधर से चले जाओ, प्रश्न पूरे हो गए, आज का कोटा पूरा हो गया, इतना ही पचा पाओगे।